नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नीरज और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। तो चलिए, दिन भर की तमाम खबरों के बाद अब रुख करते हैं हल्द्वानी की कुछ मुख्य खबरों की तरफ। हल्द्वानी के सिंधी चौराहे के पास पैदल चल रहे बुजुर्ग कारोबारी क्रेन की चपेट में आकर घायल हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें एसटीएच में भर्ती कराया, जहां से उन्हें निजी अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं पुलिस ने क्रेन चालक को हिरासत में ले लिया है। हल्द्वानी में आज जीएसटी सर्वे से गुस्साए व्यापारियों ने जीएसटी विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए उनका पुतला दहन किया। व्यापारियों का कहना है कि जीएसटी सर्वे को जल्द से जल्द रोका जाए, वरना वो आंदोलन शुरू कर देंगे। कालाडूंगी के विधायक बंशीधर भगत स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को लेकर हल्द्वानी के सुशीला तिवाड़ी अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी के प्राचार्य डॉक्टर अरुण जोशी ने बताया कि विधायक भगत को सर्दी, जुकाम और बुखार है। उनकी कोरोना आदि जांचें कराई जा रही हैं। हल्द्वानी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में आज आगामी 15 अगस्त को लेकर एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर किए जाने वाले कार्यक्रम को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही हल्द्वानी नगर निगम ने 30,000 तिरंगों का वितरण का भी फैसला किया, ताकि हल्द्वानी के हर घर में तिरंगा लहराया जाए। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी द्वारा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज भाजपा कार्यकर्ताओं ने आज मुखानी चौराहे पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का पुतला फूंका। उनकी मांग है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी को मामले में पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। इस मौके पर जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट समेत पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। तो हल्द्वानी की मुख्य खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।